हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स। ठीक ना, पहले आपको क्लास 12 का फिजिक्स समझने से पहले आपको एक बेसिक चीज समझ में आना चाहिए कि फिजिक्स में, क्लास 12 की फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक ना, तो चलो पहले उसी के संदर्भ में आपको बता देता हूँ क्लास 12 के फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है। ठीक, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि जो फिजिक्स है, आपने पढ़ा है कि जो फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है, मतलब कि विज्ञान की एक शाखा है। ठीक ना, जो साइंस है उसका एक ब्रांच है क्या, फिजिक्स। ठीक ना, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये सब चीज़ आप बेसिक क्लासेस में पढ़ ली हो। मैं आपको केवल क्लास 12 के फिजिक्स में जो चीज़ पढ़ना है वो चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स के अंतर्गत आपको क्या चीज़ और पढ़ना होगा, क्लास 12 की फिजिक्स में जो फिजिक्स है इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या होगा। पहले तो मैं यहाँ पर कुछ यूनिट लिख रहा हूँ। ठीक ना, मतलब आप मान सकते हो कि फिजिक्स की वो शाखाएँ होंगी, ऐसे साइंस की एक शाखा है, मतलब विज्ञान की एक शाखा भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है। अब यहाँ पर जो फिजिक्स है इसके बहुत से सब ब्रांचेज हैं, उप शाखाएँ हैं। ठीक ना, अब वहाँ पर देखो जो उप शाखाएँ हैं, जैसे कि पहला उप शाखा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो है मैकेनिक्स। ठीक ना, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जिसे बोला जाता है यांत्रिकी। ठीक ना, ये जो लिखा गया है इसका मतलब होता है, इसे बोलते हैं यांत्रिकी बोलते हैं। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा इसमें आप पढ़ते क्या हो। और जो दूसरा पार्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक्स। ठीक ना, इलेक्ट्रिक्स जिसे कहा जाता है विद्युत की। ठीक, विद्युत की या फिर वैद्युत की। ठीक ना, इलेक्ट्रिक्स। और उसके बाद जो तीसरा ब्रांच यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जिसे बोला जाता है प्रकाश की। ठीक ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की। ठीक, और यहाँ पर चौथा पार्ट लिखा जा रहा है थर्मल फिजिक्स। आप समझिए थर्मल फिजिक्स जिसे कहा जाता है, जो थर्मल फिजिक्स है इसे बोलते हैं उष्म भौतिकी। उष्म भौतिकी, उष्म भौतिकी। इसके बाद पांचवा पार्ट आपको पढ़ना है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक ना, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स जिसे कहा जाता है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, और भी ऐसे ब्रांचेज हैं। आप एक समझ लीजिए वेव्स पढ़ने होते हैं। ठीक ना, इस वेव्स में मतलब जिसे कहा जाता है तरंग, ये सब चीजें हैं। या इसका जो यहाँ पर वेव्स लिखा जा रहा है, ये कुल मिलाकर के पढ़ा जाता है फोनेटिक्स में। फोनेटिक्स जिसे कहा जाता है ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान। ऐसे भौतिक विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं। ठीक ना, जो फिजिक्स आपको पढ़ना है उस फिजिक्स के अंतर्गत आप ये समझ लीजिए, कुछ यहाँ पर मैंने मेन ब्रांचेज लिखे, अभी और भी ब्रांचेज हैं इसमें जिसके, लेकिन यहाँ पर मैं केवल वही ब्रांच यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके क्लास 12 के फिजिक्स में आपको मिलेगा। ठीक ना, पहले तो आप ये समझिए कि मैकेनिक्स क्या होता है, वैद्युतकी क्या होता है, प्रकाशकी क्या होता है, उष्म भौतिकी क्या होता है, नाभिकीय भौतिकी क्या होता है, ध्वनि विज्ञान क्या होता है। ठीक ना, ये सब भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं। तो देखो जैसे कि जो मैकेनिक्स लिखा गया है, ठीक ना, मैकेनिक्स आप क्लास 11th में पढ़ लिए हो, पूरा मैकेनिक्स का जो पोर्शन होता है, जैसे क्लास 11th में जो फिजिक्स आपने पढ़ा था, फिजिकल वर्ल्ड पहले चैप्टर से लेकर के आप मान कर चलिए कि जहाँ तक आपने पढ़ा था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक ना, मतलब उपग्रहों और ग्रहों की कक्षीय चाल, जो जहाँ तक आप पढ़े थे, मतलब 9 चैप्टर तक, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक का टोटल पोर्शन जो आप 11th के फिजिक्स में पढ़े हो वो सब आपका मैकेनिक्स का पोर्शन होता है। ठीक ना, यांत्रिकी का होता है, यांत्रिकी मतलब जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है उसमें आप क्या पढ़ते हो, न्यूटन के गति विषयक नियम से लेकर के न्यूटन की जो तीनों गति विषयक नियम है उसको, और गति के समीकरण, जो तीनों समीकरण हैं,
उसको लेकर के आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम तक जो पढ़ते हो, वहीं पर आप उपग्रहों की कक्षीय चाल वगैरह पढ़ते हो, वहां तक का जो टोटल सिलेबस पार्ट होता है वो आपका यांत्रिकी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अब ये इस पर मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूँ क्योंकि क्लास इलेवंथ का पार्ट हो चुका है। और उसी प्रकार से देखिए जो चौथा वाला पोर्शन है ये भी क्लास इलेवंथ में ही है, ठीक ना, क्लास इलेवंथ में ये भी है और क्लास इलेवंथ का पार्ट ये भी होता है। इसी के अंतर हम पढ़ लेते हैं तरंग वगैरह जो होता है वो सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। थर्मल फिजिक्स यहाँ पर आप हीट क्या होता है उसके बारे में पूरा समझते हो, उष्मा क्या होता है, ताप क्या होता है, उष्मा और ताप में अंतर क्या है, ठीक ना, उनसे संबंधित मतलब कि उष्मा गति के नियम वगैरह समझते हैं, उनके अनुप्रयोग क्या है दैनिक जीवन में, वो सब चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक ना। ये वाला पोर्शन भी क्लास इलेवंथ का है और ये वाला पोर्शन भी क्लास इलेवंथ का है। साथ ही साथ जो फोनेटिक्स होता है जिसे हम बोलते क्या है ध्वनि विज्ञान बोला जाता है, ये भी क्लास इलेवंथ का है। इसके अंदर हम पूरा वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना, पूरा तरंग के बारे में पढ़ाया जाता है, वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जब तरंग के बारे में आप पढ़ते हो, तरंग कितने प्रकार का होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक ना, वो सब पार्ट यहाँ का होगा। अब यहाँ पर इन सब पार्ट को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सब पोर्शन आपके क्लास इलेवंथ के हैं, जो ट्वेल्थ के सेक्शन में है मैं केवल उसी पर डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए इससे कोई मतलब नहीं होगा, इससे कोई नहीं मतलब होगा और यहाँ इस वाले से भी कोई मतलब आपका नहीं है। अब जो आपको क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना है वहाँ पर देखिए ये सब ब्रांच, ये वाले पार्ट जो आपके हैं ये क्लास ट्वेल्थ में है, ठीक ना। अब मैं एक एक करके इस पर डिस्कशन करूँगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ठीक ना, एक एक करके मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, ठीक, इसको पहले आप समझने की कोशिश करिए, ठीक ना। फिजिक्स के अंतर्गत क्लास ट्वेल्थ का जो फिजिक्स है, आप ये मान के चलिए क्लास ट्वेल्थ का जो फिजिक्स होगा, ट्वेल्थ का जो फिजिक्स है, ठीक ना, ट्वेल्थ के फिजिक्स को आप एडवांस फिजिक्स भी बोलते हो, यही एडवांस फिजिक्स है कुल मिलाकर के। एडवांस फिजिक्स का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको चीज़ें बहुत चीज़ें एज्यूम करने पड़ेंगी, ठीक ना। सीधा सीधा आप इसको अपने दैनिक जीवन में इनके मतलब कि एग्जांपल वगैरह आपको अपने दैनिक जीवन में नहीं दिखाई देंगे, अधिकतर ऐसा ही होगा। ये कुल मिलाकर के इमेजिनेशन बेस्ड होगा, ये कल्पनाओं पर आधारित चलेगा, ठीक ना। इसके लिए आपको अपने मतलब माइंड समझिए बहुत बुसअप करना होगा, अच्छी तरह से आपको समझना होगा, तब क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स आपको समझ में आएगा। एलेवंथ का फिजिक्स जो है वो जर्नल फिजिक्स था, लेकिन क्लास ट्वेल्थ का जो फिजिक्स है ये एडवांस फिजिक्स बोला जाता है इसको, ठीक ना। यहाँ पर अवधारणाएँ चलेंगी, कल्पनाएँ चलेंगी, ठीक ना, वो सब चीज़ों को मुझे समझना होगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें जो जो यूनिट आपको पढ़ने हैं इन पर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, कौन सा यूनिट कितना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आप पहला यूनिट आपको जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक्स, ठीक ना, जो पहला यूनिट आपको पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक्स पढ़ना है, एक मिनट, ठीक ना। पहला जो आपको पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रिक्स को कहा जाता है वैद्युतकी या फिर विद्युतकी, ठीक, दोनों नाम पढ़ा जाता है, चाहे आप विद्युतकी बोलो या फिर वैद्युतकी बोलो, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। अब देखिए इसमें मुझे क्या पढ़ना होगा, वैद्युतकी में क्या पढ़ना होगा, वैद्युतकी में आपको जो पढ़ना है केवल आप ये समझिए इस मतलब कि भौतिक विज्ञान एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, आवेश क्या होता है, ठीक ना, आवेश क्या होता है, चार्ज जो होता है, आवेश, आवेश के गुण और व्यवहार के बारे में अध्ययन करोगे, गुणों व्यवहार के बारे में पढ़ोगे, ठीक ना, आवेश के गुण और व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। उस पार्ट को हम नाम देंगे क्या, विद्युत की, ठीक ना। तो आप बताओगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश के गुणों और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत की बोलते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक्स, ठीक ना, मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश के गुण और व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं उसी शाखा को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक ना। जो इलेक्ट्रिक्स है ये समझ लीजिए क्लास ट्वेल्थ के आधा फिजिक्स यही है, केवल वैद्युतकी जो है पार्ट ये आपका आधा फिजिक्स ये कवर कर देता है, क्लास ट्वेल्थ का आधा फिजिक्स जो होता है ये कवर कर लेगा। कम से कम आप मान के लिए अगर नंबर पर आप इसकी बात करते हो
70 नंबर की फिजिक्स में 35 नंबर का योगदान केवल यही एक टॉपिक आपका होगा, यही एक बड़ी यूनिट है जो क्लास 12th की फिजिक्स में है वो आपको दिलवा सकता है। 35 नंबर तक यहाँ से आपको मिल सकते हैं, लेकिन उस 35 नंबर के लिए इसमें आपको 12 चैप्टर पढ़ने भी होते हैं। ये तो एक यूनिट है, अब इसके अंदर आपको 12 चैप्टर पढ़ने भी होते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक एक करके, आप इसको समझिए। देखिए, इलेक्ट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब इलेक्ट्रिक्स जो क्लास 12th का मतलब इलेक्ट्रिक्स आपको पढ़ना, इसमें दो ब्रांचेस को आपको पढ़ना होगा। एक पढ़ना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक को बोलते हैं, एक पार्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो दूसरा पार्ट इसमें आपको पढ़ना होगा वो होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और जो तीसरा पार्ट आपको इसमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तीन पार्ट आपको इसमें पढ़ना होगा। अब इसी में एक पार्ट और जोड़ दिया गया है, लेकिन पहले आप इन तीन पार्ट को समझिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसे बोला जाता है हिंदी में स्थिर वैद्युत की, ठीक ना, इसे हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत की, ठीक। और जो दूसरा पार्ट लिखा गया इसे बोलते हैं गतिक वैद्युत की, ठीक ना। और जो तीसरा पार्ट लिखा गया है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये इतना पार्ट आपको पढ़ना होगा, यही इतना टॉपिक मिला करके, साथ में एक टॉपिक, एक चैप्टर और है छोटा सा जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। इतना मिला करके आपका 35 नंबर का एक कंप्लीट आता है, यहाँ से 35 नंबर मिलता है, ठीक ना। जिसमें से ये वाला पोर्शन उतना अभी आगे ये प्रकाश को समझने के लिए चीज है, पहले आप मतलब विद्युत समझिए, उसके लिए आपको ये तीन यूनिट अच्छी तरह से, तीन टॉपिक जो होंगे आपको अच्छी तरह समझने होंगे, स्थिर वैद्युत की, गतिक वैद्युत की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब यहाँ पर देखिए, जो स्थिर वैद्युत की है उसका क्या मतलब होगा, गतिक वैद्युत की और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर पूरे वैद्युतकी में जहाँ कहीं पर आएगा ये शब्द इलेक्ट्रो का सीधा मतलब आपका होगा चार्ज से, आवेश से इसका मतलब होगा, जहाँ ये चीज आएगा उसका मतलब होगा आवेश से। और जहाँ पर लिखा जाएगा स्टैटिक्स का मतलब होता है इन फॉर्म ऑफ रेस्ट का मतलब होता है विराम की अवस्था में, इसे आप लिखोगे विराम की अवस्था में, ठीक ना, विराम की अवस्था में, ठीक ना, ये चीज हो गया। और जहां पर शब्द आएगा डायनामिक्स, ठीक, जहां पर डायनामिक्स शब्द आएगा इसका मतलब होगा इन फॉर्म ऑफ मोशन, मतलब कि गत की अवस्था में, इसे आप बोलोगे गत की अवस्था में या गतिक अवस्था में। और जहां पर ये शब्द आएगा इंडक्शन, जहां पर शब्द आएगा इंडक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक पर कोई चार्ज होगा, वो अपने प्रभाव से जो बगल रखा हुआ कोई मतलब कि मटेरियल होगा, कोई कंडक्टर होगा, वह ये चार्ज बॉडी होगा, वह अपने प्रभाव से अपने बगल रखे हुए किसी कंडक्टिव मटेरियल को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक ना, वो चीज इंडक्शन कहलाएगा। इंडक्शन का मतलब ये होगा कि जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए कि दो लड़के हैं, एक यहाँ पर ये पहला लड़का हो गया, इसको आप मानिए पहला है, दूसरा, दो लोग हैं। अगर हम इसको यहाँ पर दोनों लोग साथ ही में हैं, लेकिन अगर एक को आप पैसा देते हो तो दूसरा लड़के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे आप एक को पैसा दे रहे हो तो इससे क्या होगा, इसके प्रभाव से ये किस प्रकार से, ये अभी तो न्यूट्रल है, लेकिन जैसे आप इसको पैसा दोगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी ये करेगा, रोएगा या फिर कुछ एक्शन करेगा, ठीक ना, ताकि वो चीज मुझको भी मिल जाए, ठीक ना, वो चीज कहलाएगा, वो पार्ट आपका इंडक्शन में होगा। इंडक्शन टोटली इसी पर बेस्ड, यही कंसेप्ट वहाँ पर भी लगेगा, मैं आपको वहाँ पर पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी वो 7 चैप्टर बाद आएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मुझे क्या पढ़ना होगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होगा, इलेक्ट्रो का मतलब मैंने बताया चार्ज, स्टैटिक मतलब इन फॉर्म ऑफ मोशन। मतलब आप ये बताओगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश के गुण और व्यवहार का अध्ययन करेंगे, लेकिन जो आवेशित वस्तु होगा, जो चार्ज बॉडी होगी, वो स्थिर अवस्था में होगी, विराम की अवस्था में होगी, तब हम उसे क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत की बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। मतलब कि जब हम किसी आवेशित वस्तु के गुण और व्यवहार का अध्ययन करेंगे लेकिन स्थिर अवस्था में, जिस पर चार्ज होगा वो कहीं पर, वो पॉइंट वो कहीं पर स्थिर होगा, रखा गया होगा, तब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो चीज हमारा आएगा स्थिर वैद्युत की नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होगा कि हम चार्ज के, मतलब कि जो आवेशित वस्तु होगा उसके गुण व्यवहार के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा, चार्ज बॉडी जिस पर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा वह इन फॉर्म ऑफ मोशन होगा, मतलब कि वो गत की अवस्था में होगा, तब उस पर क्या क्या परिवर्तन हो रहा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदल रहा होगा, या फिर उसका पोटेंशियल, जो कुछ भी चीजें यहाँ पर आएंगे वो सब चीज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, वो चार्ज्ड होगा और उसके बगल में कोई कंडक्टिव मटेरियल रखा गया होगा, इस चार्ज मतलब कि मटेरियल की वजह से जो बगल में रखा हुआ, मतलब कि न्यूट्रल होगा मटेरियल, न्यूट्रल कंडक्टिव मटेरियल जो रखा गया होगा, मतलब उदासीन, ठीक ना, उदासीन चालकीय पदार्थ जो यहाँ बगल में रखा गया, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उन सभी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ ये तीन जो चीजें यहाँ पर लिखे गई, ये इलेक्ट्रिक्स एक मेन मतलब यूनिट हुआ, इसके अंतर्गत आप समझिए तीन यूनिट आपके सिलेबस में है, ये मेन यूनिट है, उसके अंतर्गत आपको तीन यूनिट पढ़ने हैं, एक ये पढ़ना है, एक ये पढ़ना है, एक ये पढ़ना है, जिसमें से आप ये समझिए कि आपको जो ये वाला चैप्टर पढ़ना है, इसमें आपको चार चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना, इसमें चार चैप्टर पढ़ने हैं, और जो ये वाला टॉपिक होगा इसमें आपको पढ़ने होंगे दो चैप्टर, ठीक है ना, दो चैप्टर इसमें पढ़ने होंगे। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पोर्शन होगा, ये कुल मिला इसमें भी आप ये मान कर चलिए इसमें पांच चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना, नहीं चार चैप्टर यहाँ भी होगा, चार चैप्टर यहाँ भी होगा, और इस वाले पोर्शन को समझने के लिए आपको तीन चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है ना, तो चार यहाँ का आठ हो जाएगा, तीन यहाँ पर ग्यारह, एक चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसको लेकर के बारह चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, और वहां से टोटल मिला करके 35 नंबर आपको मिलेगा, ठीक ना। अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक, अभी और मतलब फर्स्ट पेपर ही समझिए, मैं उसी पर डिस्कशन कर रहा हूँ, जो सेकंड पेपर आपका होगा वो ऑप्टिक्स से होगा, प्रकाशिकी से होगा, ठीक ना। अब प्रकाशिकी पर अगर बात अभी करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, केवल आप इसी पर आप अभी समझिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, मैं उस पर उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिर एक एक करके उस पर बात करेंगे। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर जो आपको चार चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें से पहला चैप्टर जो आपका होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ, ठीक ना, एंड कूलम्स लॉ, ये पहला चैप्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि वैद्युत क्षेत्र और कूलम का नियम, ठीक है ना, ये पहला चैप्टर होगा वैद्युत क्षेत्र और कूलम का नियम, अब हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, बस समझ सकते उतना बात। जो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा गॉस थ्योरम, ठीक, गॉस थ्योरम मतलब कि गॉस की परमे, इसे आप बोलते हैं गॉस की परमे, ठीक, गॉस की परमे, गॉस का परमे, ये चीज आपको इसमें पढ़ना होगा, ये दूसरा टॉपिक आपका होगा, ये होगा कूलम का नियम वैद्युत क्षेत्र, दूसरा हो गया। तीसरा चैप्टर जो आपको इसमें पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे बोला जाता है वैद्युत विभव, या फिर विद्युत बोलो वैद्युत बोलो बातें वही है, विद्युत विभव, ठीक, ये चीज होगा, विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। जो चौथा चैप्टर इसमें आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसे कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस लिखा गया इसे बोला जाता है वैद्युत धारिता, या फिर विद्युत धारिता, वैद्युत धारिता, जो भी समझो, दोनों बातें एक। ये चार टॉपिक आपको इसमें पढ़ने होंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, चार टॉपिक यहाँ पर पढ़ने होंगे,
ठीक ना। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स में बहुत, मतलब कि इनसे चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल्स हो, या आप मान के चलिए आपको ये 10 से 12 नंबर तक, मतलब कि 35 में 10 से 12 का, 10 से 12 अंक आपको यही चार टॉपिक से मिल सकते हैं, ठीक ना। अगर ये सब टॉपिक नहीं तैयार होंगे, आगे का जो फिजिक्स है मतलब कि इसके बाद पाँचवें चैप्टर से, वो सब समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक। इतने चार टॉपिक ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए। इसके बाद जो दूसरा यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके अंदर आपको ये चार पढ़ने हैं, ठीक ना। अगर आपको नोट करना होगा तो आप बाइक करके नोट कर सकते हो, मैं यहाँ पर इसको रख कर रहा हूँ। अब जो दूसरा पार्ट आपको पढ़ना होगा, जो दूसरा यूनिट मैंने आपको बताया, वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक ना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसे कहा जाता है गतिक भौतिकी, ठीक ना, गतिक वैद्युत की या फिर विद्युत की, जो भी लिखो, गतिक विद्युत की। गतिक विद्युत की में जो आपको पहला चैप्टर पढ़ना होगा, कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हो पांचवा चैप्टर आपकी किताब का, किताब में रहेगा ये पांचवा चैप्टर जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में रहेगा, कुल मिलाकर के विद्युत धारा के बारे में आप समझोगे, यहीं से आपकी गतिक विद्युत की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हम चार्ज की बिहेवियर और प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसको हम समझेंगे, लेकिन चार्ज बॉडी क्या होगी, फॉर्म ऑफ मोशन होगी, वो सब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समझना है। इलेक्ट्रिक करंट से वैद्युत धारा या फिर विद्युत धारा, वैद्युत धारा बातें एक हैं, विद्युत धारा यहाँ से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो छठवां चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे, वो छठवां चैप्टर होगा केसीएल और केवीएल, मतलब सिंपल सर्किट एंड किरचॉफ लॉ, ठीक ना, किरचॉफ लॉ, सिंपल सर्किट और किरचॉफ का नियम, सरल परिपथ इसे बोलते हैं, सरल परिपथ। अगर हिंदी लिखते हैं तो इसका मतलब होगा सरल परिपथ, यहाँ पर परिपथ हो गया, समझेंगे परिपथ क्या होता है वो चीज। और इसी में हम पढ़ेंगे यूं किरचॉफ का नियम, ठीक ना, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ के नियम में दो नियम पढ़ने होते हैं, एक केसीएल कहलाता है, एक केसीएल होता है, एक केवीएल होता है। केसीएल केवीएल मतलब किरचॉफ करंट ला, किरचॉफ वोल्टेज ला, ठीक ना। इनके दो नियम हैं जिस पर मतलब कि न्यूमेरिकल जो सर्किट वाले न्यूमेरिकल होते हैं, जो मतलब क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स में मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल में, वो यहीं से पूछे जाते हैं ज़्यादातर, केसीएल और केवीएल नोड, ठीक ना। ये चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इतना पार्ट यहाँ पर ही पढ़ेंगे। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है मैग्नेटिक में, स्टार्ट हो जाता है एक नया मतलब कि यूनिट होता है, लेकिन वो सब इसी के अंतर्गत आता है सब चीज। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मैग्नेटिक में, ठीक ना, मैग्नेटिक जिसे बोला जाता है चुंबकत्व, ठीक, चुंबकत्व ये स्टार्ट हो जाता है। अब चुंबकत्व जो होता है इसमें हम मतलब कि चुंबक से संबंधित, ठीक ना, चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ कोई मतलब कि करंट कैरिंग वायर होगा, मतलब एक वायर होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, अगर वो उसमें करंट फ्लो कर रहा होता तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर जब ये टॉपिक स्टार्ट होता है, ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बताए जाते हैं, ठीक ना, एक्सपेरिमेंट बताए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट में जैसे यहाँ पर ओरेस्टेड का प्रयोग बताया जाता है, ओरेस्टेड का प्रयोग ही ये बताता है कि मतलब कि बिंदु मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, जो चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा है, ठीक ना, मेन कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो चीज़ यहाँ पर ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट ही बताएगा। जैसे कि अब तक हम इसके पहले जितने टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक, इनके पहले जितने टॉपिक पढ़ेंगे उन सभी टॉपिक्स में वर्णन किया जाएगा या बात किया जाएगा विद्युत क्षेत्र का, ठीक ना, वहाँ पर बात किया जाएगा विद्युत क्षेत्र का, ठीक, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होगा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होता है कि जैसे कोई चार्ज बॉडी होगा, चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक ना, तो उसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र बन जाता है, जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है। अगर उसके उस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, वो उसका फील्ड कहलाता है, ठीक है ना। किसी चार्ज पार्टिकल का जहाँ तक अपना प्रभाव रहता है, जो उसका प्रभाव क्षेत्र होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक ना। अब वो चीज तो हम यहाँ पर इतने में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पूरा पार्ट यहाँ तक केसीएल केवीएल रूल तक। लेकिन उसके बाद जब हम ये वाला टॉपिक, मतलब एक नया यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक चुंबकत्व, जब स्टार्ट करते हैं यहाँ भी हमारे पास एक वायर ही रहेगा, उसमें भी करंट फ्लो कर रहा होगा, उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक नया फील्ड आपको, एक नया कॉन्सेप्ट आपको और मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलेगा, ये चीज आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट से बात आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, वह विद्युत क्षेत्र से कैसे अलग है, वो सब चीज हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम वगैरह पढ़ेंगे, ये सब बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपका चुंबकत्व में आ जाएगा, ठीक। और जैसे ही चुंबकत्व पूरा स्टार्ट होगा, तो चुंबकत्व तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि 6 चैप्टर उधर के थे, और चुंबकत्व तो वाले में इस प्रकार से हमारे पास 3 चैप्टर होंगे, ठीक ना। अब कौन कौन से 3 चैप्टर होंगे उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे इसमें पहले आप पढ़ोगे, जो पहला चैप्टर पढ़ोगे वो होगा यही, क्या नाम है, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना। इसमें एक चैप्टर होगा गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। इसे बोला जाता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज हम इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद एक नया मतलब की टॉपिक आएगा, मतलब इतना एक चैप्टर होगा गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, जो एक यूनिट है इसके, इस यूनिट के अंदर मुझे 3 चैप्टर जो पढ़ने हैं उसमें से पहला चैप्टर ये होगा गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। और जो इसके बाद 2 चैप्टर इसमें और होंगे जो पूरा चुंबक से संबंधित होंगे, ठीक ना, चुंबकीय पदार्थ वगैरह जो होंगे उससे संबंधित होंगे। तो यहाँ पर होगा चुंबक से संबंधित, ठीक ना, चुंबक से संबंधित यहाँ पर हमें 2 चैप्टर पढ़ने होंगे, चुंबक से संबंधित होंगे, ठीक ना, 2 चैप्टर वो। अब की बार जो 30% का सिलेबस था उसमें से यहाँ से बहुत चीजें काट भी दिए गए थे, जिसमें से हमें पहले चुंबकत्व मतलब चुंबक संबंधित पढ़ना होगा, एक चैप्टर वो होगा, और एक चैप्टर होगा पृथ्वी का चुंबकत्व, मतलब कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह जो बिहेव करता है, उसकी अवधारणा यहाँ पर पूरा ये है कि एक पहले चुंबक संबंधित बातें होगा जिसमें चुंबक रहेगा, उसके उसका क्या चुंबकीय क्षेत्र वगैरह निकालने के बारे में बात होगा, उसके बाद एक पृथ्वी का चुंबकत्व होगा, वो सब चीज हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक ना। 2 चैप्टर ये हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर के 6 चैप्टर उधर हुआ था, 3 चैप्टर ये हो जाएगा, तो 9 चैप्टर आपका इधर से कवर हो जाएगा। अब जो तीसरा पार्ट आपको पढ़ना है, जो तीसरा यूनिट आपका है, उसको थोड़ा देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया उसे हम बोलते क्या है, EMI बोला जाता है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 2 चैप्टर पढ़ने होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर 2 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला चैप्टर यही होगा जो लिखा गया है वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक ना। ये पहला चैप्टर होगा जिसे बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। एक चैप्टर ये हो जाएगा, कुल मिलाकर मतलब वहां तक 9 था, ये 10वां चैप्टर हो जाएगा। और जो 11वां चैप्टर इसमें होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वो होता है एसी। एसी का मतलब होगा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक ना, अल्टरनेटिंग करंट, जिसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पर आप पूरा जो करंट होगा उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक ना। करंट के बारे में आपने पहले उधर पढ़ा था, लेकिन वो बात कर रहा होगा डीसी की, यहाँ पर एसी की बात होगी। मतलब यहाँ पूरा आप समझिए, पूरा आप करंट के ही बारे में पढ़ोगे, करंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, कौन इसमें ज्यादा बेटर होता है, कौन हमारे घर में यूज होता है, ठीक ना, किसका हम स्टोरेज कर सकते हैं, किसको आसानी से मतलब कि एक स्थान दूसरे स्थान तक किस करंट को ले जाया जा सकता है, ठीक ना। अब एक करंट को दूसरे करंट में करने मतलब परिवर्तित करने के लिए क्या रेक्टिफिकेशन वगैरह जो किया जाता है, वो सब चीजें होती हैं, वो सब हम पूरा आगे पढ़ेंगे, ठीक ना।
तो ये सब बात यहाँ से आपको उसकी भूमिका या उसके बारे में जानकारी आपको धीरे धीरे इस चैप्टर से मिलेगी, प्रत्यावर्ती धारा। ये थ्योरी के साथ साथ इसका जो न्यूमेरिकल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इसके दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 10वां चैप्टर ये हो जाएगा, 11वां चैप्टर यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो कुल मिलाकर 11 चैप्टर आपका ये कंप्लीट होगा। इसके बाद इसी फर्स्ट पेपर में जो 35 नंबर जहाँ से मिलता है उसी में 12वां चैप्टर आपका और इंक्लूड किया गया है, और वो 12वां चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, ठीक ना। जैसे कि आपने पढ़ा था 11th में, आपने केवल तरंग पढ़ा है। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मैंने आपको बताया था कि एक तरंग जो होता है उसको आप बोलते हो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और एक तरंगे जो होती हैं यांत्रिक तरंगे होती हैं। दो ही प्रकार के तरंगे होती हैं, एक यांत्रिक तरंगे होंगी, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी। जो यांत्रिक तरंगे होती किसी मीडियम में बनती हैं, ठीक ना, उनका क्रिएशन उनका फॉर्मेशन किसी माध्यम में होगा, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होगा उसका निर्माण जो होता है निर्वात में भी होता, मतलब वो तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, जबकि विद्युत जबकि यांत्रिक तरंगे जो होंगे उनके चलने के लिए, उनके प्रोपेगेशन के लिए, ठीक ना, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप पढ़ोगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कॉन्सेप्ट आप पढ़ लोगे, मतलब कि इसमें कैसे ये वेव बनते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो आप इधर पढ़े रहोगे वो सब यूज किया जाएगा, ठीक ना। और ये चैप्टर इसीलिए डाला गया क्योंकि इसके बाद से आपका स्टार्ट हो जाएगा सेकंड पेपर का। तो सेकंड पेपर जो होगा, ठीक ना, सेकंड पेपर फिजिक्स का वो स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड पेपर कुल मिलाकर के आना है 70 नंबर, एक ही पेपर ही होता है, लेकिन यहीं से अब तक पहले यही होता था, यहाँ सेकंड पेपर स्टार्ट होता था। और इसलिए इस चैप्टर को डाला गया कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझ लें पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम अच्छी तरह समझ पाएंगे तभी तो हम सेकंड पेपर में, हम पहला यूनिट जब स्टार्ट करेंगे वहाँ पर होगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होगा प्रकाशकी, हाँ, और प्रकाशकी में हम क्या करते हैं, प्रकाश के गुण और व्यवहार, जैसे वैद्युतकी में आवेश के गुण व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हो, उसी प्रकार से प्रकाशकी में हम प्रकाश के गुण और व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश के जब गुण और व्यवहार के बारे में आप अध्ययन करोगे तो उसका एक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे ये वर्क करता है, उसमें कौन कौन से फील्ड वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ इसलिए उसका बेसिक है, यहाँ पर हम इसको यहीं पर पढ़ लेंगे, ठीक ना। इस चीज़ इसलिए चैप्टर को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप बहुत से मतलब कि व्यवहारिकता से जुड़े हुए क्वेश्चन भी समझोगे इस चैप्टर में, ठीक ना। तो ये इतना तो आपके आपका ये समझिए जो क्लास आज का है केवल ये इंट्रोडक्शन, ठीक ना, इसमें आपको केवल आज ये पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक ना, और हम उसको एक एक करके किस प्रकार से पढ़ेंगे, एक रणनीति के तरीके से आप पढ़ाई करिए, ठीक है ना। क्लास 12th का फिजिक्स जो आपको पढ़ना, ऐसे नहीं कि मोटी किताब है कैसे पढ़ेंगे, एक 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 नई रणनीति के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आएगा और पढ़ने भी आपको अच्छा लगेगा। तो आपका आज मैंने केवल 35 नंबर तक का जो चैप्टर है, मतलब जहाँ से आपको 35 अंक मिलने हैं वहाँ तक का डिस्कशन किया। अब इसको पढ़ाने में कम से कम आप मान कर चलिए 4 से 4 महीने तो कम से कम लगता है, इतने टॉपिक पढ़ाने में 4 महीना आप मान कर चलिए लग जाता है, ठीक ना, अगर एक मतलब स्पीड से पढ़ाया जाए तब, ठीक ना। तो बस आज इतना आप समझिए, इसके बाद जो मतलब कि जहाँ से पहला चैप्टर जो स्टार्ट होगा आपका, वहाँ उसको मैं अगले वीडियो में स्टार्ट करूँगा। आज केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास है, बस इतना आप समझिए, इसके बाद मैं आपको अगली क्लास में और चीज़ बताऊँगा, ठीक।